हेलो फैमिली, नमस्कार। एक बार फिर से हाजिर हो गई हूँ आप सबके लिए एक हेल्पफुल वीडियो लेकर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि जब आप सोते हैं तो घर में बच्चा क्या क्या करता है, बच्चे को कैसा महसूस होता है, सारी बातें आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और अगर कर लिया है तो आपका बहुत बहुत थैंक यू। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसे कि फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि जब आप सोते हैं तब ज्यादातर एक्टिविटी बच्चा उसी टाइम करता है। वो क्यों? क्योंकि जब आप सोते हैं एक कंफर्टेबल पोजीशन में तो इससे घर में बच्चे को अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है, बच्चा मनमानी अपनी एक्टिविटी कर पाता है। मतलब कि आप रिलैक्स मोड में जाते हैं तो बच्चे को फ्रीडम जैसा फील होता है, तो आपके सोने पर बहुत सारी एक्टिविटी करना स्टार्ट कर देता है। आपने अक्सर नोटिस भी किया होगा कि जब आप सोती हैं, मतलब लेटती हैं, वैसे ही घर में बच्चे की एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती हैं, बच्चा महसूस होना आपको स्टार्ट हो जाता है, इधर से उधर घूमेगा, उधर से उधर, आप जिस करवट लेटेंगी बच्चा उसी साइड आ जाता है अपनी पोजिशन चेंज करके। साथ में जब आपको छींक आती है तो बच्चा घर में चौंक जाता है, बच्चा डर जाता है, बाहर तेज आवाज सुनकर बच्चा रिएक्शन देता है। इसके बाद जैसे कि आप कभी टेंशन में हैं, ज्यादा स्ट्रेस ले रही हैं, कुछ सोच रही हैं, लेटे लेटे रो रही हैं, तो आपकी फीलिंग को बच्चा फील करता है। इसीलिए कहते हैं कि प्रेगनेंसी में आपको स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, स्ट्रेस प्रेगनेंसी में हार्मफुल होता है, आपके बच्चे के लिए भी, आपकी प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन को भी बढ़ाता है। साथ में बच्चा घर में अंगूठा चूसता है, बच्चा हिचकियां भी लेता है घर में। इसके साथ ही बच्चा 5 महीने से आपका टच फील करने लगता है, आप पेट पर हाथ घुमाती हैं तो बच्चा आपके टच को फील करता है और बच्चे को लगता है कि उसका ध्यान रखने वाला कोई है। इसीलिए आपको 5 महीने से अपने पेट पर बार बार हाथ फेरना चाहिए, जिससे कि बच्चे को एक एहसास हो और बच्चा दिन पे दिन अच्छे तरीके से ग्रो करता है। साथ में बच्चा घर में जम्हाई भी लेता है और अपनी आंखों को बंद करता है, खोलता है, पलके झपकाता है, बच्चा यूरिन पास करता है। हाँ जी, आपका बच्चा घर में यूरिन पास करता है जो कि एमनेटिक फ्रूट बॉटल में मिल जाता है, फिर बच्चा उसी को निगलता है और यूरिन के रास्ते बाहर निकाल देता है। ये प्रोसीजर पूरे 9 महीने तक चलता रहता है। बच्चे का यूरिन बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होता है क्योंकि उसमें बाहरी बैक्टीरिया वगैरह नहीं होते हैं, इसीलिए बच्चे का घर में यूरिन निगलना बिल्कुल नॉर्मल होता है, ये सभी के बच्चे करते हैं। सो फैमिली, आपने जाना कि जब आप सोते हैं तो आपका बच्चा घर में क्या क्या एक्टिविटी करता है, कैसा बच्चा महसूस करता है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा टचिंग रहा होगा, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहा होगा। तो चलिए मिलती हूँ आप सबसे अगले वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू सो मच।